हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा और आप एफएलपी कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि क्या नाम से इसमें एक लेवल होता है, मैनेजर लेवल, जो कि स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों का ड्रीम लेवल होता है ना। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ना कि आप 6 मंथ में S2 मैनेजर बन जाओगे। यदि आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे, इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे ना, तो 6 मंथ में आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दोगे, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन इससे पहले आपको अपना S लेवल डन करना पड़ेगा। यस गाइस, ये ट्रिक S डन होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना असिस्टेंस वाला लेवल कंप्लीट करना होगा। गाइस, हो सकते हो अभी आप नवस्त कस्टमर हो, ठीक है, और आप अभी से प्लानिंग बना रहे हो मैनेजर तक कि मैनेजर कैसे बनाते हैं, मुझे अभी से प्लानिंग बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप अपना S लेवल डन करो। अब आप S लेवल डन कैसे करोगे? आपको यहाँ पे बहुत सारे थंबनेल दिख रहे होंगे ना, इनमें से कोई सी वीडियो उठा के देखना, आपका S लेवल डन हो जाएगा। देखो, S बनने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। 1 source से आप कर सकते हो, 2 source से आप कर सकते हो, 1 product से आप 2 CC कर सकते हो, ठीक है, फ्री में आप 2 CC कर सकते हो, है ना। जर्नी पैक हो गया, कॉम्बो पैक हो गया, बहुत सारे तरह के 2 CC करने के, प्रोडक्ट सेल करके आप 2 CC कर सकते हो। तो आप ना एक काम करना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एंड स्क्रीन में 4 वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, उनमें से जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगे उस ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, आपकी 2 CC कंप्लीट हो जाएगी। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी 2 CC की रिगार्डिंग, कि 2 CC कैसे कंप्लीट करें, अपना S लेवल कैसे डन करें, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि 6 मंथ के अंदर, मतलब वो कौन सी ट्रिक है जिसके अंदर अपन 6 मंथ में मैनेजर क्वालिफाई कर देंगे। ओके, तो वीडियो को एंड में मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो गाइस, आपको इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना S लेवल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं ट्रिक कौन सी है। ट्रिक का नाम है S2S। सच में बहुत ही आसान ट्रिक है। आप इस ट्रिक को देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि इस ट्रिक को अकॉर्डिंग अगर कोई काम करे ना, तो 6 मंथ में आराम से 6 महीनों में आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दोगे, इतनी मेरी गारंटी है। सच्ची बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ मैं, है ना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इतनी आसान ट्रिक है आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना खुद का S लेवल डन करना है। मान लीजिए आपने अपना S लेवल डन कर लिया कैसे भी करके, ठीक है। अब कैसे करना है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं, जाके देख लेना, एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके देख लेना। आपको सबसे पहले अपना S लेवल कंप्लीट करना है, ठीक है। अब S लेवल कंप्लीट करने के बाद आपको पता ही होगा क्या करना होता है, प्लान करना होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन करना होता है, प्रोस्पेक्टिंग करना होता है। अब आप कितने भी प्लान दो, ये मुझे पता नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, लीड्स पे कितना काम कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कितने प्लान दे रहे हो, 20 से 25, 30, 35, कितने भी प्लान दे रहे हो आप, ठीक है। इस 20, 25, 35, 40 में से आपको एक ऐसा पर्सन देखना है, ठीक है, ओनली 1 पर्सन, ठीक है, जो इसके काबिल हो, किसके काबिल हो, इसके काबिल हो, इसको आपको क्या बनाना है, S बनाना है। कितने भी प्लान दो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने प्लान दो, लेकिन आपको हर महीने 1 S खड़ा करना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं उठानी आपको, सिर्फ इतना तो आप कर सकते हो ना कि 1 महीने में 1 S खड़ा करना है। और टीम में भी ये चीज़ सिखानी है जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ आपको टीम में सिखानी है, कि ज़्यादा नहीं, ओनली अपने डायरेक्ट में 1 S खड़ा करना है। होने में तो और भी बहुत सारे होंगे, किसी की 1 CC क्लियर हो जाएगी, किसी की 2 CC क्लियर हो जाएगी, किसी की 1.5 CC क्लियर हो जाएगी, किसी के 5000 के पॉइंट क्लियर हो जाएंगे ना, जो भी होंगे। लेकिन आपको इनमें से, इन सारे प्लान में से 1 पर्सन ऐसा ढूंढना है जो ऐसा हो, ये बनने के लायक हो, और उसको आपको S बनाना है। इसके लिए अच्छा है आपको, है ना, इसका माइंड सेट करना पड़े, मार्केटिंग प्लान क्लियर करना पड़े, इसका प्रोफाइल क्लियर करना पड़े, कुछ भी क्लियर करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको एक ऐसा पर्सन बनाना है अपने टीम में हर महीने, ठीक है। चलो कोई ना, अब मान लीजिए ये आपको, ठीक है, आपने अपना S लेवल डन कर लिया, ठीक है, और अभी चल रहा है जून, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जून के अंदर, अभी जून में आपको क्या करना है, अपने डायरेक्ट में एक S बनाना है। पूरे 30 दिन है आपके पास, कितने दिन है, 30 दिन आपके पास है। 30 दिन में आप कितने भी प्लान दो, आपको अपने डायरेक्ट में एक S बनाना है, ठीक है, किसमें, जून महीने में, ठीक है। तो इधर आओ, जून महीने में कितने S हो गए आपकी टीम में, 2, एक आप खुद, एक ये, 2 S हो गए आपके। चलो ये आपकी टीम में 2 S हो गए। अगर सी से काउंट करें तो 4 CC होती है, ठीक है, 4 CC होती है काउंट करें तो। अगर मान लीजिए आपने अपना S लेवल पहले डन कर रखा है तो यहाँ पे 2 CC कर सकते हो, ये कोई मायने नहीं रखती, एक समझने के लिए कि यदि 2 S हो गए तो कितनी CC होती है, 4 CC होती है। ये आपको करना है जून में। अब आपको जुलाई में क्या करना है, नेक्स्ट मंथ क्या है, जुलाई, जुलाई में आपको क्या करना है, कितने भी प्लान दो, आपको अपने डायरेक्ट में एक S खड़ा करना है, ठीक है। और इसको भी ये बोलना है कि कितने भी प्लान दे मुझे नहीं पता, कुछ भी कर, लेकिन अपने डायरेक्ट में एक S खड़ा कर दे, ठीक है। तो ये भी अपने डायरेक्ट में एक S खड़ा करेगा। ये कब की बात है, जुलाई की बात है, जुलाई। तो जुलाई में कितने S हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 S हो गए ना, यहाँ पे लिखो 4। अब सी से काउंट करें अपन चारों की, तो कितनी हो गई, 2, 4, 6, 8, 8 CC हो गई,
ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में अपन को करना क्या है, वही यही ट्रिक एस टू एस ट्रिक, अपन को हर महीने एक एस खड़ा करना है और अपने टीम में भी सबको यही बोलना है कि एक एस खड़ा करना है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं उठानी, तो खुद भी एक एस अपने डायरेक्ट में खड़ा करो। ठीक है, आपने कर दिया, इसको भी बोलो कि अपने डायरेक्ट में एक एस खड़ा कर दो साहब। इसने भी कर दिया, इसको भी बोलो एक एस खड़ा करो अपने डायरेक्ट में। कितने भी प्लान दो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको एक तो खड़ा करना ही करना है बस। तो ये किसके बाद चल रही है, अगस्त के बाद चल रही है। तो अगस्त में कितने एस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे आपके 8 एस हो गए अगस्त के बाद चल रही है। और सी से अकाउंट करें तो 16 होती है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपको फिर से अपनाना है, ठीक है, आपको भी एक एस खड़ा करना है अपनी टीम में, ठीक है, और सबको बोलना है कि एक एक एस अपने टीम में खड़ा कर दो। कितने भी प्लान दो लेकिन एक एस तो आपको बनाना है, बनाना है एक महीने के अंदर, ठीक है। तो आपने खड़ा कर दिया, इनको भी बोलो कि एक एस बनाओ, ठीक है, इनको भी बोलो कि एक एस बनाओ, ठीक है, इनको ये बोलो कि एक एस बनाओ फिर टीम में, ठीक है। डायरेक्ट में एक एक एस बना लो। अब काउंट करो कितने एस हो गए पूरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 एस आपकी टीम में हो चुकी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर सी से अपन काउंट करें तो 16 × 32 होती है, ठीक है, 32 सीसी, ओके। ये अभी बात चल रही है सितंबर की, सितंबर में आपकी 32 सीसी कंप्लीट है, एक महीने की बात चल रही है, ठीक है, 16 एस कंप्लीट है आपके अपनी टीम के अंदर, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट मंथ में भी ये प्रोसेस अपनाना है, क्या प्रोसेस अपनाना है, सबको बोलना है खुद से भी एक एस खड़ा करना है और अपनी टीम में भी ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होगा, 32। अब इधर इस पे कैलकुलेशन पे ध्यान दो आप, ठीक है, 32, इधर कितना होगा, 64, मतलब 64 सीसी आपकी नवंबर में हो जाएगी। कितनी, 64 सीसी आपकी नवंबर में, ठीक है। अगर ये चीज अपन फिर से रिपीट करें तो यहाँ पे कितने आएंगे, 64, और यहाँ पे कितने आएंगे, 128, मतलब 128 सीसी आपकी ओनली एक महीने में हो जाएगी, अक्टूबर में। यदि इस ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो एक महीने के अंदर आप मैनेजर बन जाओगे इतनी सीसे से, और चेक तो आप सोच सकते हो कितना ऊपर जाएगा। यदि अगर ऐसा हुआ ना तो सोचो एक महीने में यदि आपने युवा तो ये सीसी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, कितना बड़ा चेक आपका होने वाला है, ठीक है। लेकिन मान के चलते हैं अक्टूबर मंथ में क्या हुआ, ये जितने भी अपने एस थे 32 एस थे ना, आपने सबने काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 16 एस 32 में से मान के चलते हैं 16 एस तो ये रूल फॉलो करेंगे ना, मान लो 16 नहीं कर रहे, काम स्लो चल रहा है किसी का, तो 32 में से अगर 16 भी वापस ये रूल फॉलो करते हैं आपकी टीम में से, तो कितने एस होते हैं, 32, ठीक है। तो 32 की सीसी कितनी होती है, 64, 64 कितने होते हैं, 128, मतलब अक्टूबर मंथ में आप 120 सीसी से अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाओगे यदि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलोगे आप। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 128 हो रहा है लेकिन 120 पे आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाओगे इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप चलोगे, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। मैं आपको अगेन फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एस लेवल डन करना है। और एस लेवल कैसे डन करोगे, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन में आपको बहुत सारे 3-4 वीडियो मिल जाएगी, जाके देख लेना, अपने 2 सीसी कंप्लीट कर लेना, अपना एस लेवल डन कर लेना, और अपने माइंड में ये चीज़ बैठाना है कि प्लान कितने भी दो, 20, 25, 30, 40 कितने भी प्लान दो, लेकिन आपको इन सब में से एक एस आपको खड़ा करना है, एक पर्सन ऐसा ढूंढना है जो कि इसके काबिल हो, लीडर बनने के काबिल हो, और उसको आपको क्या करना है, एस बनाना है, और एस बना के उसको भी यही रूल फॉलो करना है, उसको ये वीडियो सेंड कर देना, ठीक है, ताकि उसका सब कुछ क्लियर हो जाए, उसको ये रूल फॉलो करना है। इस रूल को फॉलो करते करते आप इतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, इतना बड़ा डिजाइन बना सकते हो, और इस डिजाइन को मतलब बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेटवर्क को डिजाइन करके यहाँ पे बूम कर सकते हो। तो एक डिजाइन ही है जहाँ पे आप इस तरह अपने नेटवर्क को फैला के अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपने ट्रिक देख ली होगी, अब तो आपको भरोसा हो गया ना कि हाँ इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे तो 100% मैनेजर लेवल डन कर देंगे, वो भी 6 मंथ में, 6 महीने में आप अपना मैनेजर लेवल डन कर दोगे। लेकिन आपको देखो एक चीज़ बताऊँ, कहना आसान लगता है, देखो सिंपल से बताऊँ, देसी बात बता रहा हूँ, कहना आसान लगता है लेकिन जब अपन एक्शन लेते हैं ना, वर्कआउट करते हैं ना, तब पता चलता है कि कितना मेहनत करनी होती है परफॉर्म, ठीक है। तो मेहनत करने में कोई कमी मत रखना, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन आप चाहते हो कि मैं मैनेजर लेवल इस अकॉर्डिंग डन करूँ, तो आप कर सकते हो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। कितनी सिंपल, कितनी आसान ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना, एस बनाना है, और अपनी टीम में जो है उनको भी बोलना है कि तू भी एस बना, बस इतना करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना दिमाग के अंदर, अच्छे अच्छे लीडर पकड़ना है अपन को, फालतू का कचरा इकट्ठा नहीं करना 4 आवर के अंदर,
समझ गए। तो आपको अपना लेवल डन करना है तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैनेजर लेवल डन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना एस लेवल डन करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। पूछो क्यों, क्योंकि 4 आवर की रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो क्विक्स में निकालता रहता हूँ, आपको पता ही है यार, आपको वीडियो अच्छी लगती भी है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि डालते ही वीडियो आपके पास फटाक से आ जाए। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है, सब्सक्राइब के साथ साथ। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बताऊं क्यों, दोस्तों को शेयर इसलिए कर देना, अगर मान लो आप काम कर रहे हो और आपके जैसे जैसे काम आपकी टीम कर रही है तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो जितने भी आपके दोस्त है, ग्रुप है, उसमें इस वीडियो को सेंड कर देना ताकि उनका भी प्रॉफिट हो और आपका भी प्रॉफिट हो, आपका बिजनेस जल्दी से ग्रो करे। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।